हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है और भीड़ से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहता है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे वाले लोगों के सामने अगर कोई मोटिवेशनल कोट आ जाए तो ये नई ऊर्जा भर देते हैं तथा निराशा को दूर भगाते हैं। ऐसे ही जीवन के कुछ बुनियादी बातों को मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो आपको जीवन के अनुभव को सीखने में आपकी मदद करेंगे। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। परवाह, आदर और थोड़ा समय, ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हम से चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। रिश्ते चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी।
परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। उत्तम से सर्वातम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हमेशा खुद पर विश्वास रखना क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मित्रता सम्मान की नहीं भाव की भूख ही होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए दिमाग से नहीं। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ते हैं। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ ले क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें।
हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है। जिंदगी नहीं, किसी काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। जो किसी के फैन है, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए, कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं आए। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की रोड से गुजरना पड़ेगा। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। लगता तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। आए अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा? जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है, फिर उनको फुर्सत नहीं होती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता की किताब। आए इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। ऐसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो सच होने के लिए है। पहले पड़ता था बहुत सी बातों का फर्क, अब किसी बात का नहीं पड़ता है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।